नमस्कार दोस्तों, आपका एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप अपने बागवानी में आम के पौधे लगा रखे हैं तो उसमें आपको इस समय कौन से काम करने चाहिए, यानी दिसंबर महीने में आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिससे आप अपने पौधे से अच्छे फल प्राप्त कर सकें, यानी अच्छी पैदावार अपने आम के पौधे से ले सकें। क्योंकि हमारे देश में काफ़ी बड़े स्तर पर आम की खेती की जाती है, लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपने बागवानी में एक दो पौधे को लगा रखे हैं और उनमें कुछ रोग लग जाते हैं, कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जिसके कारण उनको फल नहीं प्राप्त होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सभी चीज़ आज दोस्तों हम आपको बताएँगे कि हमको दिसंबर महीने और जनवरी महीने में कौन से ऐसे काम करने चाहिए और कौन से नहीं काम करने चाहिए, जिससे हमको अपने आम से अच्छी पैदावार मिल सके, यानी हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन से काम करें और कौन से काम हमको नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको दिसंबर महीने में कुछ काम निपटा लेने चाहिए। जैसे यदि आपके बाग में या पौधे पर भुनका अधिक देखने को मिलता है तो इस समय यानी दिसंबर महीने में आपको किसी एक अच्छे कीटनाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपके पौधे पर बौर आ जाता है तो उस समय यदि आप छिड़काव करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या होता है कि जब आप किसी कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं तो आम के पौधे में जो परागण की क्रिया होती है वो खास तौर पर वायु द्वारा और दूसरे मधुमक्खियों के द्वारा इसका परागण होता है। जब आप किसी कीटनाशक का छिड़काव कर देंगे उस समय जब बौर आपके बाग में लगा दिखाई पड़ेगा तो कीटनाशक के छिड़काव के कारण मधुमक्खियां मर जाएंगी, जिससे परागण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, जब हम छिड़काव करेंगे तो उसमें जो पानी की मात्रा है वो हमारे बौर पर पड़ेगी और बौर में नमी आ जाएगी, जिससे जो है इसमें कुछ फफूंद जनित रोग भी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा कारण है, इसकी परागण क्रिया बिल्कुल बाधित हो जाएगी, क्योंकि जब पौधा में बौर जो है वो नम अवस्था में आएगा तो परागण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। एक बीमारी दोस्तों हमको आम के पौधे में बौर आते समय देखने को मिलती है कि बौर एकदम गुच्छा नमा होता है और गुच्छे नमे बौर में हम जब देखते हैं तो उसमें फल हमको लगे हुए नहीं दिखाई पड़ते, यानी उसमें फल नहीं आते। तो कारण क्या होता है कि ये नपुंसक फूलों का एक पूरा गुच्छा बन जाता है जिसमें फल नहीं आते हैं और ये बीमारी धीरे धीरे हमारे पौधे पर और दूसरे पेड़ों को भी प्रभावित करती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको किसी दवा का छिड़काव नहीं करना है, बस सिंपल सा तरीका है और उसको आप अपना लीजिए, यानी जिस पौधे पर इसके लक्षण दिखाई पड़े उस पौधे में लगे हुए बौर को आपको पूरी तौर पर बिल्कुल हटा देना है। हटा देंगे तो आपको उस साल तो उस पेड़ से जो है फल नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले वर्ष उस पौधे में किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, यानी बौर जो गुच्छेनुमा बौर होता है वो बीमारी से बिल्कुल आप अपने पौधे को और बाग को भी बचा पाएंगे और अगले वर्ष जो है स्वस्थ बौर आएगा, जिससे फल भी अधिक लगेंगे और बौर की संख्या भी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। बौर आने के पहले दिसंबर महीने में एक काम दोस्तों आपको और निपटा लेना है, वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, यानी इस समय आपको हल्की सिंचाई कर देना है। हल्की सिंचाई कर देने से फ़ायदा क्या होगा कि बौर आने पर जब उसको पानी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो वो पूर्ति हो पाएगी और जो पाला आदि का असर है, कोहरा आदि का असर है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यदि आप दिसंबर महीने में ऐसे कुछ काम निपटा लेते हैं तो अपने बागवानी से आम के पौधे से अच्छे आम के फल और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी जानकारी पाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन कर देना है, जिससे जो भी बागवानी संबंधित वीडियो आए आप सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों, ये जानकारी आप दूसरे बागवानी करने वाले भाइयों को या दूसरे जो आम के पौधे घर पर लगाए हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी और वो भी इसका लाभ ले पाएंगे।